फर्दर ये क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग सेक्शन कवर हो गया। आपको मैंने एक असाइनमेंट से दी थी ये वाली ए वाली, ये कहाँ तक पहुँची, इसको आज कंटिन्यू ये कर लें। और शाम को तो नहीं है क्लास, आज जुमेरात है, कल जुमा है, सुबह क्लास रख सकते हैं। ठीक है, देख लें अपने आप को, क्योंकि जुमेरात जुमा हफ्ता क्लास नहीं, इतवार के दिन हम मिलेंगे। तो अगर आप कल क्लास रख सकते हैं या परसों रख सकते हैं फिर मुझे बता दें। हमने एक ये बनाया था फाउंडेशन का प्लान बनाया था, याद है, ये बिल्कुल वही अरेंजमेंट है उसका, मतलब उस समरी से हमने उठा ली थी कि ये चीज़ बनेगी, ज़मीन पे इसको डालना है तभी आगे जाके हम काम करेंगे। हम इस तरह कर लेते हैं कि इसी का भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या मटेरियल शामिल हो सकते हैं। मैं वही प्रॉपर्टी के रिसाइन कर रहा हूँ जो पहले हमने, अगर आपको याद है, तीर शेप बनाया था, इस तरह कुछ बने थे ना चीज़ें, पॉली लाइन से बनाया था मैंने, बेशक आप पॉली लाइन से बनाए इसको या खुद इस तरह बना दें, टी आर डबल एंटर बी टी एंटर के जरिए अगर कुछ देखते हैं इसको, कुछ भी लिखते हैं, सपोज इफेक्ट हम इधर लिख देते हैं कि दैट इज सेक्शन डी डी, मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आप इसको बेशक नाम चेंज, बट आपने इसी सेक्शन को फिर नीचे जाकर बता देना है कि डी यहाँ पर बन जाए, तो जो बंदा देखेगा वो इधर से डी तो फॉलो कर लेगा, वो फिर नीचे जाएगा डी को देखेगा भी वाकई डी किधर है, क्योंकि सेक्शन डी में आपने इसकी डिटेल दी होगी। ठीक है जी, ये बन गया कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सेलेंट और वर्टिकल पोजीशन में जाएं, और ये तीन चार लाइन हमने उठा के नीचे लेके गए। मेज प्रॉपर्टी साइन था तो कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी सेम है, और ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों कम टूगेदर। अब वेरी सिंपल फाउंडेशन दूसरी बनाते हैं, बट दिस वन आप पहले उसको देखें। हमने हमारी ज़मीन जो थी वो फर्श कितनी नीचे थी, चले लेट सपोज एक काम आप सिर्फ 2 फुट, ये लेट सपोज ज़मीन है, ज़मीन से फर्श कितना ऊंचा था, 2 फुट। आपका क्या ख्याल है ज़मीन में कितनी खुदाई करें और बुनियाद पर रखते हैं, डिपेंड डिज़ाइन पर करते हैं, हम इस वक्त जनरल बातें कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, चीज़ सीख रहे हैं। तकरीबन 2 फुट हमने नीचे भी रख दिया, 2 फुट करते बड़ी चीज़ है। टी आर डबल एंटर इसको काट लें और इन दो लाइनों को सिर्फ काट लें, ये अंदर से जो मटीरियल आपको नज़र आ रहा है इसको फुली काट लें, इसको भी रेज करें और इसको वन साइड भी रेज करें, उसको छोड़ आप सिर्फ, अक्सर आपने देखा होगा कि 3 इंच या 4 इंच नीचे हम PCC वगैरह डालते हैं। अब व्हाट इज़ PCC, ये भी पढ़ लेते हैं, ब्रेकिंग हो जाती है, फिर तकरीबन 2 इंच या 3 इंच 4 इंच डिपेंड अपॉन जितने भी होता है, हम इधर पर कुछ DPC डाल देते हैं, ये नाम आपने सुने होंगे, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए PCC में वही कंक्रीटिंग मटेरियल जो अभी हमने तो फर्श वगैरह में डाला था, देखा है आपने, वही कंक्रीटिंग मटेरियल यहाँ पर लगेगा, बेशक कंक्रीट लगा दे कुछ और लगा दे आपकी मर्जी, स्केल इज़ 2 और के काम कर लेगा, 2 बहुत बड़ा है, 1 कर दें, 0.5 कर दें, दैट्स ओके, क्लियर है जी। यहाँ अगर आपने देखा है यहाँ पर हमारे जो नॉर्मल अभी जो घर जितने बन रहे हैं इस एरिया में, यहाँ पर ये स्टोनिंग कर रहे हैं, सारे स्टोन लग रहे हैं, कोई भी स्टोन को वो दे रहे हैं, लेट सपोज मैं बोलता हूँ दिस इज, पर ये इसे होना नहीं चाहिए, अभी ये ना करें, अभी इसके बाद दूसरा बना रहे हैं वो ज़्यादा, और यहाँ पर इसको आप सॉलिड रखें इस तरह। बी में आपने जाना होगा, मॉडिफिकेशन आपकी बहुत बड़ी होगी इस वक्त, आपको पास वो काम नहीं करेगा, इसका आपको छोटा कर देना है 4 पॉइंट, पहले 4 इंच किया लाइंस भी, आप टेक्स्ट जो है वो भी 4 इंच, 4 इंच किया ओके, सेट करंट और डेथ क्लोज, DLI लें, यहाँ पर एक DLI लगाएं, एक ही तो 4 इंच है, मगर ये 2 फुट बहुत बड़ा आ रहा है, इसको किस तरह छोटा करें, हमने दोनों डायमेंशन छोटा किया है, सिर्फ डायमेंशन से काम नहीं होगा, आपने इसको स्टाइल में भी छोटा करना है, अच्छा ये थोड़ा आपको याद हो, इसको सेलेक्ट कर देंगे छोटा होकर सेम एजेंस, वही चीज़ें इधर आप डिज़ाइन कर, ये भी आप दिखा रहे कितना बना रहे हैं, और ये भी आप दिखा रहे ये कितना बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने वही LED वाला कमांड उठाने, लीडर एक एरो शेप देगा आपको, एंटर दबाएं, यहाँ पर आप लिखते हैं ये PCC थी और बनी है
नॉर्मली यहाँ पर जो होता है वो एक चाराट की बनी होती है, एक चाराट है और हम उसको बोल देते हैं कि 3 इंच टिक से हम उसको बना रहे हैं, डबल इंटर प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर आ जाओ, ठीक है जी। इसको एक लाइन में चाहते हैं बिल्कुल, सॉरी दो लाइनों में चाहते हैं, तीन में चाहते हैं, इधर से आप कर लें खुद इसको जो बेस्ट होगी। थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं, इसको उठाया और थोड़ा ऊपर, ठीक। सेम इसी मटेरियल को अगर आप कॉपी करें, सिर्फ एडिटिंग की ज़रूरत होगी, इधर लगा दें। दिस इज़ बेसिकली DPC उसको बोलते हैं, और ये होती है अक्सर 1-2-4 की, और यहाँ पर मेरे ख्याल में 2 इंच तक की काफ़ी है। इसको इस तरह दिन पैस हो गया, ठीक है जी। सर तो बोले एक चार यहाँ देखिए, ये वैसे उसका एक लेवल हम दे रहे हैं, ज़मीन से ये स्टोन नीचे पकड़े जाएँ थोड़ा सा, एक लेवल फॉर्मेट हमारा ऊपर, हम इसकी बिल्कुल प्रिवेंशन करते हैं। हम चाहते हैं कि नीचे अगर लेट सपोज पत्थरों में कुछ पानी वगैरह आता भी है या कुछ एब्जॉर्प्शन करता भी है, तो पत्थरों को पानी से कोई नुकसान नहीं पहुँचता। बट अगर यही पानी ऊपर आएगा दीवार में जाएगा, तो उधर से हमें नमी, आपने अक्सर देखी होगी दीवारों पर नमक आपको नजर आती है, उसकी बड़ी वजूहत होती है वजह ये भी है। तो डेंपनेस में हम उसको मुकम्मल रोक देते हैं, यहाँ एक पेवर मोटर से हम डाल लेते हैं, वो उसको ऊपर आने देते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं, मोटरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे मटेरियल इस्तेमाल है DPC में, कभी ज़्यादातर आपने देखो होगा लोग नॉर्मल प्लास्टिक डाल देते हैं, कोई तारपोल डाल देता है, कोई क्या डाल दे, कोई कंक्रीट कर, कोई बीम डाल दे, कोई वगैरह जो भी हो, बट वो सारा डेंपनेस प्रिवेंशन के काम होते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं चीज़ों। तो आप डाल दें और नीचे 3-6 इंच कुछ भी रख सकते हैं, ये 6 इंच तक ज़्यादा होती है, मैंने वैसे 3 इंच लगाई हुई है। बट इस वक्त हम इसको आप सिंपल बोल दें कि दैट इज स्टोन वर्क। लेट सपोज मैं उसको बता रहा हूँ कि ये स्टोन वर्क जो है ये बनेगा 1-5 में, ये मॉडर्न स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, एक सीमेंट होगा 5 रेत होगी, यानी यो वो वही करना चाहिए, यो टाटके कशकी ना पिंजर टाटकी दी, यो टाटके सीमेंट पिंजर टाटकी चुका दी शक्ति, ये उसकी अरेंजमेंट है और प्रॉपर्टीज है, खुद देखने इसमें मसला नहीं है, इतना बंदे को समझ आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक लाइन लगा देनी है ऊपर, जो नज़र आ रहा है उसको ट्रिम करें, लाइन कमांड उठाई और इसको इस तरह किया, एफेट इसको इस शेप में आपने बना लेना। व्हाट इज़ दिस, हम दीवार पूरी नहीं शो कर सकते, मे बी हमारे पास 3-4 स्ट्रक्चर, हम क्या करेंगे, 3-4 स्ट्रक्चर दिखाएंगे उनको, आप ये सिंबल लगा दें, दैट सिंबल रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी सिंबल कि आपका वॉल फर्दर कंटिन्यू जा रहा है। वही तरीक़ाकार फिर उठाया सर्कल, यहाँ एक सर्कल था अगर आपको याद हो, और बेशक अगर आप उसको क्रॉस बनाना चाहते हैं बना लें, आप उसको हेज करें, हेज करने बल्कि एक काम करें, ये लाइन दरमियान से बिल्कुल निकालें, आप इसको हेज करें और इसका डाउन पोर्शन आपने सॉलिड कर देना है, ठीक जी। ड्यूटी पे जाएं, ये क्या था इधर, कौन सा ले हो तुम, अगर आपको याद हो हम इसको ग्राउंड लेवल पे खड़े, और इसके लिए एक फार्मूला था परसेंटेज वाला, यानी प्लस माइनस इसमें लगेगा, और 0.00 फुट लिखते हैं, 0 भी लिखते हैं, बट दैट इज 2-4 पॉइंट आप इसको काफ़ी मूव करें, इसको एक अरेंजमेंट दे दें और फर्दर उठा के इसको टैगिंग सीओ कॉपी। इधर हम क्या कर रहे हैं, प्लेंथिंग प्लेंथ लेवल था, दैट वाज नॉट 2 फुट, सॉरी नॉट 0, ये आप यहाँ पर क्या था 2 फुट का प्लस पे था, प्लस पे आप लगा दें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, इसको सेलेक्ट करें, इरेज करें इसको, दैट इज फाइन। इसको आप DT एंटर, वहाँ पर अगर आपको याद हो उसका नाम था DD सेक्शन, यानी ये आप दिखा देंगे ताकि पढ़ने वाले को पता चले ये DD ने इसने बनाया क्या बनाया था, वो इधर आके देखे कि जनाब D में तो फाउंडेशन का ये वाला सेक्शन था, ये एक बार इसके एक दूसरे भी ये स्ट्रिप फाउंडेशन उसको बोलते हैं, कर लेंगे उसको भी सर, ऑफसेट वाला करो, ऑफसेट